बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक तेरा ही आसरा है, तू ही मुश्किल कुशा है और तू ही हर मुश्किल परेशानी से निकालेगा। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो कंप्लीट थी, मैंने कंप्लीट उसकी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर आकर मतलब 27 मिनट्स की मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँची, तो पहुँचने के बाद क्या हुआ, मेरे जो लैपटॉप की है वो बैटरी यहाँ से लो हो गई। अब बैटरी लो होने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग मेरी फ्यूज़ हो गई और मैंने चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग मतलब कि उसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया जी, तो यहाँ पर आके मेरे मोबाइल मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी। और बैटरी लो होने की वजह से जब मैंने चार्जर लगाया, चार्जिंग लगाने से बाद दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो क्या हुआ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग तो हुई लेकिन मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ना हुई, जिसकी वजह से मुझे 27 मिनट्स की वीडियो बना के स्टॉप करना पड़ी और उसके बाद मुझे इसी को अपलोड करना पड़ गया। वरना मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मतलब प्रॉपर सारी जितना भी आज का टॉपिक है वो कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊं, लेकिन प्रॉब्लम इस वजह से हो गई, तो उसका जो बकाया जो हिस्सा है वो हम इंशाल्लाह अब कंप्लीट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास ये कस्टमर की फाइल थी जिसको हमने ओपन किया हुआ था, और उसके अलावा हमारी जिस फाइल जो सेकंड फाइल जो हमने बनाई थी उस पर हम काम कर रहे थे। मिंटो से हम यहाँ पर थे और यहाँ तक हमारा काम हो गया था। मिंटो से हम दूसरी फाइल जो है जो हमने बनाई है यहाँ पर इस फाइल पे आते हैं और यहाँ तक हमारा कंटेंट जो है वो मतलब कि हमने इसकी सेटिंग जो है बिल्कुल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर ली है। अब उसके बाद क्या है कि मुझे यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक लेना है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या करूँगा, मैं कस्टमर की फाइल पे जाऊँगा। मैंने आल्ट के साथ टैब का बटन दबाया विंडोज़ शिफ्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और करने के बाद मैं कोई यहाँ तक इतना कॉपी करने लगाऊँ, ये मैंने इतना कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी आल्ट था टैब का बटन दबाया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो कंट्रोल वी करने के बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, आपके जो अगर आप एक पेज से ज़्यादा पेजेस के कंटेंट को कॉपी करके उसके सेकंड पेज दूसरी फाइल के अंदर अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो आपकी पूरी फाइल का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम कर देगा। अब देखो यहाँ पर पेज का साइज़ क्या है, मैं देख लेता हूँ जी यहाँ पर पेज का साइज़ क्या है जी। मोर पेपर साइज़ में आते हैं और यहाँ पे 6x9 है, मतलब यहाँ पे हमारा पेज का साइज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऊपर वाले पेज के ऊपर और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज का साइज़ क्या है, 8.5 और 11 है। तो अब यहाँ से ये पेज साइज़ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक आपको नज़र आ रही है, ये डैश आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह से यहाँ से सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक होने की वजह से जो प्रीवियस सेक्शन है उसका जो साइज़ लेटर में आएगा, मैं देख लेता हूँ ज़रा कौन सा, हाँ लेटर में आएगा, और जो उससे आगे वाला सेक्शन है उसका साइज़ 6x9 में आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों सेक्शन सेम हो जाएं, तो मुझे यहाँ जो सेक्शन ब्रेक वाला बटन है यहाँ पर डिलीट का बटन दबाना पड़ेगा। ये जैसे मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ये तो सेक्शन में ब्रेक हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये तो आ गया, अब यहाँ पर भी उस बनाने वाले ने एक सेक्शन ब्रेक अप्लाई कर रखा है, अब मुझे यहाँ से डिलीट का बटन दबाना पड़ेगा, ये मैंने डिलीट, अब देखो यहाँ तक तो सेक्शन ब्रेक हो गया, अब उसके बाद उसने यहां पे भी सेक्शन को ब्रेक कर रखा है, तो मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, यहां से ये सेक्शन ब्रेक हो गया। दोबारा करने लगा हूं जरा, ये लें जी हो गया। अब लेकिन देखो यहाँ पर उसने कॉलम भी ब्रेक कर रखा है, सेक्शन ब्रेक तो किया साथ में कॉलम ब्रेक भी कर रखा है। मैंने आपको बताया ये कहाँ से शो होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो हमने होम पे यहाँ पे शो इन हाइड वाले टूल इसको अनचेक कर देंगे। देखिए अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि बनाने वाले ने इसके अंदर क्या सेटिंग की है, क्या चेंजिंग की है। तो मैंने शो इन हाइड पे क्लिक कर दिया तो मुझे यहाँ पे सब कुछ बदल गया। मैंने ब्रेक को क्लिक किया, ये तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर भी इसके बाद दोबारा आते हैं, यार ये देख इसने कितना ब्रेक कर रखा है, हकीकत में इतना मतलब इतनी एडवांस लेवल की फॉर्मेटिंग कौन करता है, हम नहीं करते, इंटरनेशनल पे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि उनकी बुक को कोई चोरी ना कर सके। मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन दबाया, यहाँ से सेक्शन में ब्रेक हो गया, मैंने कर दिया ब्रेक, और उसके बाद फिर यहाँ से कॉलम ब्रेक है, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, और यहाँ से फिर सेक्शन ब्रेक है, मैंने डिलीट का बटन दबा दिया,
और यहाँ से फिर इसको डुबो ये लें जी। अब उसके बाद आते हैं ऊपर, और आने के बाद यहाँ तक हमारा कंटेंट हो गया, पेज का साइज सेम हो गया। अब पेज का साइज सेम होने के बाद भाई अब मैंने क्या करना है, यहाँ से कंटेंट को पकड़ा और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, और जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद मेरा टोटली कॉन्टेंट जो है वो इक्वल साइज में हो गया। अब को टोटली इक्वल साइज में हो गया, तो अब क्या है यहाँ पर मुझे ये वाला टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन इंटर हैं तो मैंने इनको सबको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे हमने बताया था कि हमारी हैंडराइटिंग स्टाइल में आता हूँ यहाँ पर, और मैं इसका फॉन्ट स्टाइल कर लेता हूँ, कितना मैंने 18 किया था, तो चलिए मैं 18 कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर मैंने टाइम्स न्यू रोमन, क्लियर है। तो बेटा इस तरह क्या करते हैं, ये आपकी एक एक लाइन आपने ख़त्म करते जानी है। जैसे यहाँ पे तीन लाइनें हैं, इनको मैं ज़रा बैक स्पेस करके रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे तीन लाइनें हैं तो इनको मैंने रिमूव कर लिया, और उसके अलावा मैं आता हूँ देखते हैं कहीं पे, और यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर ये स्पेस है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये मैंने बैक स्पेस का बटन दबाता गया दबाता गया, तो ये जो स्पेस उस बंदे ने दे रखी थी वो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। एक बात याद रखना, अगर आपने यहाँ से इस वर्ड को आगे लेके जाना तो फिर आप टैब का बटन इस्तेमाल कर लें, ये लें, ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन स्पेस का बटन इस्तेमाल करना ये कुछ खास अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता आपके उसके ऊपर, मतलब कंटेंट के ऊपर। से यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मैंने इसको रिमूव कर दिया जी। तो ये कंटेंट हमारा हो गया। अब कंटेंट होने के बाद हम देखते हैं जी, यहाँ पर ये कंटेंट हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग में नहीं हुआ था, हम ज़रा इसको क्लियर फॉर्मेटिंग में कर लें ताकि ये एक जैसा हो जाए। अच्छा, ये कंटेंट हमारा हो गया सारा A to Z फॉर्मेट के अंदर। अब उसके बाद मैंने दोबारा अपने, मतलब आपने यार क्या करना, अब इसके बाद उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने पूरी फाइल को ऐसे ही कॉपी कर करके पेस्ट करते जाना है, कॉपी कर करके पेस्ट करते जाना है, और कॉपी करते और पेस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको यहाँ तक कॉपी किया, और इसको अब देखो मैंने एक पेज को कॉपी किया है, और उस एक पेज के अंदर उसने यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा रखा है, और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक, मतलब उसने एक पेज के अंदर ही दो जगह पे सेक्शन ब्रेक जो है वो अप्लाई कर रखा है, तो इसकी वजह से क्या है वो इशू है, वो तो अच्छा नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, और कंट्रोल सी करने के बाद हमने यहाँ पे आना है, कंट्रोल वी कर देना है। जैसे कंट्रोल वी किया, देखें वो सारा निज़ाम धर्म वरम हो गया फिर से दोबारा से, तो भाई यहाँ पे सेक्शन ब्रेक था, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और डिलीट का बटन दबाते हैं, ये लें जी, ये तो हो गया सेक्शन ब्रेक। अब यहाँ पे आते हैं इसको, ये लें जी, हमारा कॉन्टेंट जो है वो इक्वल फॉर्मेट में हो गया। अब क्या करना है, जिस तरह हमारे पास मेथड होता है, हम सबको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हमने करना है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये हमारा कॉन्टेंट जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग हो तो गया, लेकिन यहाँ से कॉलम ब्रेक भी किया हुआ था उसने, ये भी हमने इसको रिमूव कर दिया, तो अब हमारा कंटेंट जो है वो एक फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम मिंट से हमने बेटा क्या करना है, कंप्लीट बुक, ये टोटल 84 पेजेस की बुक है, सारी बुक आपकी एज इट इज है, तो आपने इसको एज ए ही कॉपी करते जाना है, और कॉपी करने के बाद वहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे ये पेज ब्रेक सेक्शन है, पेज ब्रेक है और कॉलम ब्रेक है, इन टूल्स को रिमूव करते जाना। जैसे जैसे आप रिमूव करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपका जो पेज है वो एडजस्ट होता रहेगा, और आपकी जो फाइल है वो तैयार होती जाएगी। अच्छा, फाइल तो तैयार हो गई है, फाइल हो गई किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, कस्टमर के अमेजोन कैंडल और ईपब और मोबी के, उसके अकॉर्डिंग ये फाइल तो बन गई है, लेकिन ये वर्ड की फाइल बनी है, इस फाइल को अब मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ईपब के अंदर, या उसके बाद पीडीएफ के अंदर, या उसके बाद उसमें अमेजोन कैंडल के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे क्या करना है, अब उसके लिए हमारी फाइल जब कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरी फाइनल बुक है जो मैंने कंप्लीट कर ली थी, 96 पेजेस की मेरी बुक थी, तो मैं ये कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, गूगल ओपन किया, और गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव मैं देखता हूँ जी, मेरे पास ये आ गया जी गूगल ड्राइव, मैंने गूगल ड्राइव पे क्लिक किया। मतलब ये जितनी भी ईमेल आपकी लॉगिन होती है, इतना तो आपको पता ही होगा यार, बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह, बड़े हैं। अच्छा, अब उसके बाद मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब भी आपकी जीमेल लॉगिन होती है, तो जीमेल के साथ आपको जो है 15 GB जो है आपका गूगल आपको एक बैकअप के तौर पे दे रहा होता है, जिसमें अपने कंटेंट, अपने वीडियोस, अपने पिक्चर्स वगैरह का बैकअप ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये गूगल ड्राइव है। अब मुझे इस उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैंने ओपन पे क्लिक, न्यू पे क्लिक किया, उसके बाद फाइल अपलोड पे क्लिक किया, और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में मेरे पास वो फाइल पड़ी कौन सी, ये वाली फाइल मेरे पास मौजूद है, मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, अब जैसे ही मैंने इस फाइल पर डबल क्लिक किया, ये फाइल तो ओपन हो गई,
लेकिन मैंने इस फाइल को कहाँ पे ओपन करना है, गूगल डॉक के अंदर। मैं आपको फाइल का सारा फॉर्मेट दिखाने लगा हूँ। फाइल देखो जी मेरी, अब मेरी फाइल में कोई भी चेंजिंग मतलब इक्वल है बिल्कुल, हर एक पेज नंबरिंग भी मैंने अप्लाई कर रखी है। ये देखें, कोई सेटिंग कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इक्वल फॉर्मेटिंग के मुताबिक मेरा मतलब कि टोटली परफेक्ट है। कस्टमर कभी भी नहीं कहे इसमें, उम्मीद है कि कोई गलती निकालेगा, लेकिन यार वो कुछ निकालने वाले होते हैं और निकाल भी देते हैं। इस तरह कुछ कस्टमर आए हैं मेरे पास, मैं ज़रा दिखाऊंगा उनके उनकी फाइलें किस तरह की थी, उनका काम किस तरह का था, और वो किस तरह की चवलियाँ मारते हैं। ठीक है, अब ये फाइल होगी गूगल डॉक के अंदर। अब मुझे इसको ओपन करना है, ओपन विद गूगल डॉक्स, मतलब ये गूगल को मतलब गूगल क्रोम का गूगल डॉक्स है, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, अब गूगल ड्राइव का काम मेरा ख़त्म हो गया, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। ये मेरी फाइल यहाँ पे गूगल डॉक्स में ओपन हो गई, और ओपन होने के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्लिक करना फाइल के ऊपर। आपने इस फाइल को छेड़ने की जरूरत नहीं, मतलब आपने इस फाइल को चेंज नहीं करना, ये आपकी फाइल बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मतलब रद्दो बदल नहीं करना है, क्योंकि आपने ये फाइल देखो, ये फाइल आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। मिंटू से जो फाइल हमने वर्ड में यहाँ पर चेंज की है, उस फाइल को हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब लगा कि हम पहले वहाँ पे उसकी सेटिंग कर लें, उसके बाद उसको गूगल डॉक में ओपन करें, क्योंकि जितनी भी टूल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं वहाँ पे भी सारी टूल्स मौजूद हैं। तो अब मैंने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने आना है यहाँ पर डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे वाले मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्स में तो ऑलरेडी है ये, और यहाँ पे ये .odt है, .rtf है, .pdf है, .txt है। ना PDF में करना है, क्योंकि PDF में मेरे पास मौजूद है, और कस्टमर की डिमांड किसके अंदर थी, EPUB के अंदर। तो मैंने क्या करना है भाई, यहाँ से इसको EPUB के अंदर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद ये फाइल जो है मेरी, मैंने आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो मेरी फाइल है ये डाउनलोडिंग पे आ गई, और ये डाउनलोड भी हो गई। अब इसको ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है अडोब डिजिटल एडिशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होगा इस फाइल को ओपन करने के लिए, हमने चेक करने के लिए। मैंने उस फाइल को मैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया, और ये मैंने ओपन पे क्लिक किया, और ओपन पे क्लिक करने के बाद ये मेरी फाइल जो है वो ओपन हो रही है। कहाँ पे हो जी, ये मेरी जो है फाइल जो है वो ओपन हो गई, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई सेट मतलब मुझे चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, A to Z हर एक चीज़ परफेक्ट हो गई है। ये मेरे ज़रा लैंडस्केप के फॉर्मेट में है मेरा सॉफ्टवेयर, इसलिए आपको लैंडस्केप की फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर आप इसको पेट्रेट की फॉर्म में करेंगे तो फिर आपको पेट्रेट की फॉर्म में ये सारा कुछ दिखाएगा, और फिर परफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, लेआउट में आऊँगा, और लेआउट में ओरिएंटेशन में मेरे पास टूल है, यहाँ पे लैंडस्केप और यहाँ पे पेट्रेट है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप की फॉर्म में हो जाएगा। मैं पेट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो सारा कुछ पेट्रेट की फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं पेट्रेट ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए पेट्रेट ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी पेट्रेट में ही है। तो बेटा ये था हमारा मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें सीखा क्या है, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने कस्टमर की फ़ाइल को चेक करना है। मैं सारा टॉपिक दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले जो कस्टमर हमें फ़ाइल सेंड करेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सज्जाद नाम का बंदा है, ये सज्जाद भाई डॉक्टर है हमारे माशाल्लाह, और बहुत अच्छे बंदे हैं। जी, ये कस्टमर की फाइल है जो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने मतलब कस्टमर की फाइल जो उसने सेंड की है उसको चेक करना है कि कस्टमर की फाइल किस तरह की है, उसमें पिक्चर्स ज़्यादा हैं, या उसमें कंटेंट ज़्यादा है, या उसमें मतलब कंटेंट किस तरह के फॉर्मेट में है, ये सारा कुछ हमने वहाँ पे पहले चेक कर लेना है। मतलब एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने फाइवर या अपवर्क पे कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आपके लिए पहले ज़रूरी है कि उस बुक को मतलब जो भी वो बुक हमें सेंड कर रहा है फॉर्मेटिंग के लिए हमें कह रहा है, उस बुक को ओपन करके देख लें, ताकि हमें पता चल जाए कि यार हम इस काबिल हैं या नहीं है, इस बुक को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया?
तो मैंने जैसे यहाँ पर शोन है, ये देखो बुक तो ओपन होगी, पीडीएफ बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो पीडीएफ के अंदर वो हमें बुक सेंड करते हैं, तो पीडीएफ की फाइल को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है उसके अंदर वर्ड के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड जो एमएस वर्ड 2016 है, ये खुद ब खुद आपकी फाइल को, जैसे फाइल पर मैंने क्लिक किया और इसको ज़रा मैं यहीं पर रखने लगा हूँ और मैं एक पीडीएफ की फाइल ज़रा इस ये वाली पीडीएफ की फाइल इसको ओपन करने लगा हूँ। मैंने इसको पीडीएफ को ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, जो एमएस वर्ड 2016 है वो ऑटोमेटिकली हमारी पीडीएफ की फाइल को कन्वर्ट कर देगा एमएस वर्ड के अंदर। और अगर वो यहाँ से नहीं कर रहा, आपके पास एमएस वर्ड 2016 नहीं है जिसको 365, ये देखिए मेरी फाइल और बुक यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये सारी उसने क्या कर दी, पीडीएफ को कन्वर्ट कर दिया वर्ड के अंदर। क्लियर है दोस्तों? अगर आपकी बुक यहाँ पे नहीं हो रही, अब देखिए हमारे पास कितनी फाइलें हो गई, टोटल 3 फाइलें हो गई, ये पीडीएफ की फाइल थी, ये मैंने जिसको हम बना रहे थे, ये कस्टमर की फाइल है। अगर आपकी बुक यहाँ से कन्वर्ट नहीं होती, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है जैमजार, जैमजार, मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक वेबसाइट है और ये पीडीएफ टू डॉक डॉक में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी वेबसाइट है यहाँ पे जितनी मर्जी मतलब बड़ी फाइल हो, 30 मतलब जितनी मर्जी RMB की या GB की हो, तो उसमें कोई वो इशू नहीं करता। देखो यहाँ पे सॉरी इसने लिखा हुआ है यार, मैक्सिमम फाइल साइज 50 MB है, ठीक है? तो हम ऐड फाइल, हमारी फाइल पे क्लिक करते हैं, जो हमारी फाइल है हमने गूगल डॉक पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारी ये बुक वाली फाइल है, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने बाद गॉड यहाँ से मुझे एक्सटेंशन पूछ रहा है आपने किस कलर इसको ओपन कन्वर्ट करना है, तो .docx के अंदर कन्वर्ट, उसके बाद करता हूँ कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं 13%, 28, 38, 50, 60, 90, 100, और 100 बढ़ने के बाद ये हमारी फाइल कन्वर्टिंग हो रही है, और कन्वर्ट होने के बाद जो है देखिए जी ये कन्वर्ट हो गई, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरी फाइल जो है पीडीएफ पे कन्वर्ट होगी, किसके अंदर, वर्ड के अंदर। एक जैमजार भी है, उसके अलावा हाई पीडीएफ के नाम से एक वेबसाइट है, तो वो भी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सी वेबसाइट हैं जो इस्तेमाल होती हैं आपकी किसी भी पीडीएफ की फाइल को वर्ड में या PPT में या एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो हम अगर हम 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा फिर हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं किसी वेबसाइट पर जाने की, फिर हम खुद ही उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइल हमारी कन्वर्ट हो गई। अब हमने सबसे पहले अगर हमें कस्टमर, ये तब था अगर हमें कस्टमर पीडीएफ की फाइल सेंड कर रहा है, तो पहले हमें उसे वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी पीडीएफ की फाइल कुछ इस तरह की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पीडीएफ की फाइल को ओपन करने लगा हूँ, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी पीडीएफ की फाइल में से आप कंटेंट कॉपी कर सकते हैं या पिक्चर कॉपी कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको पीडीएफ की फाइल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पेज है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, तो क्या मेरी जो है यहाँ से कॉपी हो रहा है, पिक्चर तो कॉपी मेरी नहीं हो रही भाई, अब पिक्चर कॉपी नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे कंटेंट कॉपी कर सकता हूँ, कंटेंट मेरा कॉपी हो रहा है, ये देखो मेरा सारा कंटेंट जो है वो तो कॉपी हो रहा है, ये देखो, लेकिन मेरी पिक्चर कॉपी नहीं हो रही। तो यार पिक्चर कॉपी करने के लिए आपको उसको कॉपी करना ही पड़ेगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारी, ज़रा इसको मैं कंट्रोल ज़रा माइनस करता हूँ, ये हमारी पिक्चर है, ठीक है, और पिक्चर के बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, अच्छा जी, ये हमारी पिक्चर, और पिक्चर को स्क्रीन कर मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मेरे पास एक टूल है स्निपिंग, SNIPPING, स्निपिंग टूल पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यार मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि आप इसको कन्वर्ट कर ही लें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू पर, और न्यू से क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया, ये लो ये हो गई, और इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव के नाम से मैं इसको कर लेता हूँ पिक, कुछ भी आप मतलब कि यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये मैंने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो पिक्चर आई है या नहीं आई। ये SEE के नाम से हमारी पिक्चर थी PNG की फॉर्म में, तो आप इस पिक्चर को जो है वो एडजस्ट मतलब कि पिक्चर को ले सकते हैं।
ये लो यार, बहुत आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको, अगर आप इसके ओरिजिनल रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप पीडीएफ की फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हर एक पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो बड़ा अजीब सा लग जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने कस्टमर की फाइल को चेक किया। एक बात याद रखना, जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमने 9th की बुक में, कंप्यूटर की में, और 1st ईयर की बुक में, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग 1st चैप्टर हमने पढ़ा 9th की बुक में, 10th की बुक में भी यही है, और 2nd 1st ईयर की बुक में SDLC, स्किल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो क्या है? वो हमें सिर्फ यही बता रहे होते हैं कि भाई अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है या एक फॉर्मेटिंग फॉर्म डाटा एंट्री का एक अकाउंट है जिसका मतलब फॉर्मेटिंग बुक कंपोजर है, उसके लिए सबसे पहले अगर वो एक्सपर्ट है तो अगर उसके पास कोई काम आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जब तक वो समझेगा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तब तक उसका वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, सोल्यूशन निकाल नहीं सकता। तो सबसे पहले कस्टमर की फाइल को हमने चेक करना है, और चेक करने के बाद देखना है कि यार इस कस्टमर की फाइल को किस तरह के फॉर्मेट के अंदर बनाया गया है। मैं फॉर एग्जाम्पल शो एंड हाइड पर क्लिक किया तो ये मुझे बताना बता देगा इसने सेक्शन ब्रेक कर रखा है, सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ये समझ में आ गया तो यकीन जाने जब प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। सबसे मुश्किल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व समझना, टाइम सोल्यूशन पे नहीं लगता, टाइम लगता है किसमें, समझने में। तो यहाँ से समझना और यहाँ से सॉल्व करना, उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं कि वो पेमेंट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने, मतलब कि जो है उनके सामने पेश आई है, तो मैं दिखाता हूँ ज़रा उनके उनके किस तरह के, मतलब वो क्या कह रहे थे मुझे, मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ उस बंदे ने बेचारे ने। ये देखो यहाँ पर, मतलब वो पहले खुद काम कर रहा है, वो माशाल्लाह सज्जाद भाई खुद एक्सपर्ट हैं इसके, और डाटा एंट्री का अकाउंट है इनका फाइवर पे, और वहाँ पे काम कर रहे हैं, अकाउंट्स बना के इस तरह की बुक कंपोजिंग कर रहे हैं। लेकिन इसने कहा कि भाई मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, उसके बावजूद मैं इस बुक को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, जो इसका सीक्वेंस है ईपब का। तो मैंने कहा भाई मसला ही कोई नहीं, आप मुझे सेंड कर दें। मैंने कहा सिर्फ पीपअप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसकी फाइल ली, फाइल लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इसकी फाइल को मैंने ईपब के अंदर डायरेक्ट मैंने क्या किया, उसको गूगल ड्राइव में मैंने उसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने उसको मतलब कि ईप डाउनलोड पीडी इसमें ईपब के अंदर डाउनलोड करके उसको दे दिया। लेकिन भाई उसकी फॉर्मेटिंग तो कुछ और है, उसका पेज का साइज तो लेटर है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है मतलब ईपब में जो फाइल ओपन होती है उसका पेज साइज क्या है, 6x9 है। तो उसने कहा भाई वो ओपन नहीं हो रही। मैंने कहा भाई इतना काम तो मैं आपके लिए फ्री करने के लिए तैयार हूँ यहाँ तक था, लेकिन अब इससे आगे अगर मेरे आपने काम करवाना है तो भाई मुझे फाइल सेंड करें, मैं चेक करता हूँ, और मुझे बजट बताएं कि कितना बजट है उसका, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे वर्ड की फाइल सेंड की, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका एक, मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरी फाइल बनाने से पहले मैंने उसका एक पेज बनाया, कस्टमर की फाइल का और अपनी फाइल का जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और उस दोनों पेजेस को कंपेयर करके मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर दिया सजाद भाई को। सजाद भाई से कहा सजाद भाई ज़रा देखिएगा, ज़रा कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। तो उसने कहा सारित भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कहा डन हो गया। अब उसके बाद मैं काम करने लग गया, मैंने 35 पेजेस तक फाइल बनाई, उसके बाद मैंने 35 पेजेस की फाइल डेमो के तौर पे उसको भेज दी। मैं कहा ये ना हो कि यार मैं 85 पेजेस की या 84 पेजेस की फाइल को बनाऊं और बनाने के बाद जो है कस्टमर मुझसे कहे कि सर मुझे इस तरह की नहीं चाहिए। तो मैंने कहा 35 पेजेस थोड़ी सी मेहनत है, ज़रा इस पर सेंड करके देख लेते हैं कस्टमर क्या कहता है, क्या रिव्यू देता है। उसके बाद उसने कहा कि भाई ठीक है। तो मैंने कहा डन हो गया। तो उसने कहा कि चलो भाई देखो यहाँ पर, उसने कहा इट इज़ परफेक्टली फाइन, ये बिल्कुल ठीक है, ये बुक पूरी है। मैंने कहा नहीं भाई पूरी। उसके बाद मैंने उसकी बुक को कंप्लीट करना शुरू किया, और बिलीव मी मुझे 1.5 घंटा नहीं लगा होगा उसकी 96 पेजेस की, 84 पेजेस की वहाँ पर थी जब मैंने बनाया, तो 96 पेजेस की बुक को बनाने में मुझसे कोई 1 घंटा और 30 मिनट या 2 घंटे लगे होंगे यार। तो 2 घंटे में मैंने उसे पूछा कि पेमेंट अभी करनी है सुबह करनी है, उसने कहा भाई सुबह कर दूंगा। तो मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर सेंड किया और बताया कि 1640 रुपये बनते हैं आपने जो मुझे सेंड करने हैं। तो माशाल्लाह वो बंदा बहुत अच्छा, उसने क्या किया, ये ले साजिद भाई आपके जो है कैश जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, और मुझे कैश मिल भी गया था। तो इस तरह बेटा काम होता है अगर आप MS Word में एक्सपर्ट हैं।
ठीक है, और गूगल डॉक के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो यकीन जानो आप फाइवर और अपवर्क पर काम कर सकते हैं। और इस तरह की बेतहाशा बहुत सी बुक्स होती हैं जिनकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, और बहुत से अनाड़ी ऐसे होते हैं जो बेसिक से वर्ड सीख के अकाउंट बना के बैठ जाते हैं लेकिन को काम नहीं आ रहा होता, इसलिए बेचारे जलील हो रहे होते हैं। तो बेटा अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो यकीन जानो आपको काम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, काम आपके पीछे खुद भागेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे कि सारे भाई हमें हमारा काम करके दें, आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे मतलब एमएस वर्ड पे काम नहीं करता, मेरा मैं जरा वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो इस तरह अनटच रहता हूँ मतलब, लेकिन मेरा अपना गैलेक्सी कंप्यूटर कॉलेज के नाम से एक इदारा है तो वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करवाता हूँ, और वहाँ पे बच्चों को इस लेवल का सिखाया जाता है माशाल्लाह कि बच्चे जो हैं अपनी फाइवर या अपवर्क या उसके अलावा ऑनलाइन या किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी अगर वो जॉब करने के लिए जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अहतमाद से वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक उनको सिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे ये मेन्यूज़ है फाइल में, उसके बाद मोर में, और मोर के बाद ऑप्शंस में, और ऑप्शंस की जितनी भी सेटिंग होती हैं ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं ताकि उनको कहीं पर भी किसी भी मामले में मतलब कि उनको वो ना, क्या कहते हैं कि वो फील ना हो कि यार हमने क्या सीखा है हमने क्या नहीं सीखा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो अगर कोई मसला मसाइल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा जी, और अल्लाह हाफिज़।